सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। उदयपुर में तालिबानी तरीके से ट्रेलर की हत्या करने वाले आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज जब्बार 170 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले के भीम इलाके से पकड़े गए हैं। इन हत्यारों के पकड़े जाने का घटनाक्रम भी नाटकीय रहा है और दोनों ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार पुलिस के बिछाए जाल में फंस गए। हत्यारों के पकड़े जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से पुलिस की सूझबूझ से ये दोनों हत्यारे पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जहां पर पुलिस वालों ने पकड़ने के बाद इन हत्यारों को जमकर लात घूसों से पीटा है। बता दें कि हत्याकांड के बाद उदयपुर और आसपास की पुलिस सक्रिय हो गई थी। राजसमंद पुलिस को जानकारी मिली थी कि दोनों आरोपी भीम देवगढ़ इलाके की तरफ बाइक से भागे हैं, इस पर इनकी लोकेशन ट्रेस की गई। नेशनल हाईवे 8 पर भीम में बने डाक बंगले के बाहर नाकाबंदी की गई। यहां पुलिस को देखते ही दोनों भीम कस्बे में घुस गए थे। मोटरसाइकिल सवार आरोपी कस्बे में होकर भाग निकले और बदनौर चौराहा होते हुए कॉलेज के सामने हाईवे पर आ गए, यहां से अजमेर की तरफ जाने लगे। इस पर भीम देवगढ़ पुलिस ने आरोपियों का पीछा करते हुए जस्साखेड़ा के पहले शाम 6:30 बजे आड़ावाला मोड़ पर दोनों को धर दबोचा। बता दें कि राजसमंद पुलिस करीब रात 8 बजे दोनों को भीम थाने लेकर पहुंची। इससे पहले जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली, काफी संख्या में भीड़ थाने के बाहर जुट गई। भड़के लोग नारेबाजी करने लगे, भीड़ डिमांड करने लगी कि आरोपियों को हमारे हवाले कर दो। इस पर एक बार तो पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा, लेकिन माहौल बिगड़ते देख पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। बताया जा रहा है कि इसके बाद पुलिस आरोपियों को अज्ञात जगह ले गई। मामला बिगड़ते देख प्रदेश में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। वहीं जयपुर से भी दो बड़े पुलिस अधिकारियों को उदयपुर के लिए रवाना कर दिया गया था। इधर मामले की जांच के लिए देर रात SIT का गठन किया गया। टीम में ATS, SOG, ADG अशोक राठौड़, ATS IG प्रफुल्ल कुमार एवं एक SP और ASP शामिल होंगे। जाहिर है कि अब इन हत्यारों की पुलिस जमकर खातिरदारी करेगी। ऐसे लोगों की क्या सजा होनी चाहिए, इस पर आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।